हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आप देख सकते हैं ये टाई पत्ती लगी होती है यहाँ पे, ये निकल नहीं पाई है, फंस गई है, इसको निकालना पड़ेगा पुलर से प्रॉपर। ये हमारी एक वॉल है, अब देखिए ये वॉल है, इसकी डिशटरिंग हो चुकी है। देखिए इलेक्ट्रिकल पैनल्स वगैरह, ये सब इलेक्ट्रिकल बॉक्स वगैरह जितने भी हैं ये प्रॉपर तरीके से लगे हुए हैं, पहले ही वॉल्स में इंस्टॉल होते हैं। एक चीज़ का ध्यान ये रखना है कि ये जो टाई पत्ती होती है इसमें ग्रीसिंग होती है और हमारी शीट लगती है, तो ये जो पीवीसी शीट है इसको प्रॉपर तरीके से निकालना चाहिए और इसमें जो भी ग्रीसिंग होती है उसकी साफ़ सफाई होती है। उसके बाद इसमें GP2 की ग्राउटिंग होती है, तो GP2 की ग्राउटिंग होती है और अगर हम इसको ग्रीस को और इसको प्रॉपर तरीके से पूरा साफ़ नहीं करेंगे इन होल्स को जो हमारी टाई पत्ती लगी थी वॉल्स पे, तो क्या होगा कि ग्रीस अपना ऑयल छोड़ेगा और जो भी पुट्टी आप करेंगे POP करेंगे तो उसका इफ़ेक्ट आपको दिखाई पड़ेगा। तो इसलिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी ये आपको देखना है कि जब भी मेसन रिपेयर करे इसका GP2 तो प्रॉपर तरीके से ये इसकी टाई पत्ती का ये जो होल है इसमें ग्रीसिंग हटी होनी चाहिए, साफ़ होनी चाहिए और उसके बाद ही वो GP2 की तरफ से दोनों तरफ से ग्राउट करे। पूरे में टाई पत्ती होती है और ये सारी टाई पत्ती डिशटरिंग के टाइम निकाली जाती है, सारे वॉल्स पे होती है। टाई पत्ती का मेन रोल है और ये आपका प्रॉपर तरीके से साफ़ होना चाहिए होल्स, उसके बाद ही GP2 की ग्राउटिंग करवाइए, ग्राउट हो जाए, ये पूरा होल बंद हो जाए आर पार से, उसके बाद आप इस पर आराम से कोई भी आपको पुट्टी POP या जो कुछ भी करवाना है आप करवा लीजिए। अगर साफ़ नहीं होगा तो ये ऑयल्स का इफ़ेक्ट आएगा जो कि दिखेगा आपके पुट्टी या POP में। दोस्तों वीडियो कैसी लगी ज़रूर बताएं, कोई भी कमेंट बॉक्स में कुछ भी पूछना है, कोई भी चीज़ से रिलेटेड आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए आप पूछ सकते हैं, बेझिझक हम उसका आंसर देंगे। थैंक यू।